के हेजी डेन बने के बाद नहर खुदाए के बाद वो मिलाजन सदा का नशीला चीज खाए नहीं। अच्छा। एक बीड़ी तक नहीं पिए। अच्छा। कोई कोई पार कर जाते थे, कोई कोई आधे पहले लौट आते थे। अच्छा। अभी तो बहुत कोनो ठीक नहीं है, कब बड़ी जी। अच्छा। मास्टर लोग हमने के पढ़ावे लोग ट्रेनिंग गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां पे भी होंगे बिल्कुल अच्छे से होंगे। तो चलिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो सामने आपके स्क्रीन के दिख रहे हैं वो हमारे दादाजी हैं, और हम अपने गांव में आए हुए हैं। तो आज हम अपने दादाजी का जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से मैं शेयर करूँगा, और हमारे दादाजी का जो मतलब की जो जीवनी है वो हम मैं आज आप लोग के सामने शेयर करूंगा। तो चलिए, आप आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मेरे दादाजी का काफी वर्षों का एक्सपीरियंस है। तो चलिए स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं। पढ़ाई लिखाई तो उखरा था, जहाँ कोई रहा। अच्छा। वो जो नया स्कूल बना रहे। अच्छा। माटी एक है। अच्छा। वही में पिछड़ा तक। अच्छा। पढ़ा नहीं। अच्छा। वो जी से छोड़ के फिर गुरु ट्रेनिंग स्कूल में वो जी पढ़न बक्सर। अच्छा, बक्सर में। तो बक्स यहाँ नदाओं में आप पढ़े। फ्रेंड्स, जो हमारा पिछला ब्लॉग आया था जिसमें मैंने आपको पोखरा पे ले गया था, तो वहाँ पे स्कूल था, तो वहाँ पे मेरे दादाजी ने तीसरी तक पढ़ाई की थी। और अच्छा, बक्सर में। तो बक्सर में किस क्लास? स्कूल ट्रेनिंग स्कूल। अच्छा, ट्रेनिंग स्कूल में करपुरवा ट्रेनिंग स्कूल। और करपुरवा ट्रेनिंग स्कूल में कब तक पढ़े आप? पांचवा तक। अच्छा, तो वो स्कूल सिर्फ पांचवा तक ही था। अच्छा। मास्टर लोग का ट्रेनिंग होता रहे वो। अच्छा। मास्टर लोग हमने के पढ़ावे लोग ट्रेनिंग वो लोग का रोका हमने के पढ़ावला पर। अच्छा। वो जी से पांचवा तक है। हाँ। बाप चल गए बीबी हाई स्कूल बुनियार ब्राह्मण हाई स्कूल में। अच्छा, ये कहाँ है? टाउन स्कूल। अच्छा, बक्सर में ही है ये भी। हाँ। तो वहाँ पे किस क्लास तक पढ़े आप? हाई स्कूल तक। अच्छा, हाई स्कूल तक। अच्छा, उस समय मतलब हाई स्कूल बोलने का मतलब कितना क्लास तक? 10 क्लास तक। अच्छा, तो फ्रेंड्स उस वक्त सिर्फ हाई स्कूल तक ही था। ई रहे आई वो जी किलेबा पर। अच्छा, हाई स्कूल रहे तो नारा का जरी। अच्छा, रामरेखा घाट का जरी। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे आप हाई स्कूल तक पढ़ाई की है ना? बुनियाद स्कूल में, वो एक अलग स्कूल रहे वो जी। अच्छा। राम आशीष सिंह रलान है जी बुनियाद स्कूल में। अच्छा। सुकुमार ठाकुर। अच्छा। सुकुमार ठाकुर बढ़िया पढ़ाई होता रहे जी। अच्छा। आप जी मड़ई में पढ़ रहे हैं? अच्छा, मड़ई में पढ़े थे। मड़ई का फ्रेंड्स, मड़ई का मतलब है झोपड़ी। मतलब कि बाबा जो पढ़ाई किए थे वो झोपड़ी में पढ़ाई किए थे। अभी तो हम लोग काफी हाई फाई स्कूल में पढ़ाई करते हैं। वो बन गया था, खूब बन गया। अच्छा, मतलब वो जो मड़ई जो झोपड़ी था वो भी अभी अच्छा खासा हाई फाई बन गया है। बहुत बन गया, अब शिक्षकों खूब बन गया था। अच्छा अच्छा, पढ़ाने वाला। अच्छा, ओके। तो वहाँ पे आप कितना 10th क्लास तक पढ़ाई किए वहाँ पे? तो बाबा 10th क्लास तक आप वहाँ पे पढ़ाई किए, और फिर 10th क्लास पढ़ने के बाद उसके बाद आप क्या किए? अब कहाँ किए, मतलब पढ़ाई 10th क्लास तक कर लिए, उसके बाद फिर आप क्या किए? कहीं नौकरी जॉब क्या किए आप? जॉब कहाँ किए। तो 10th क्लास के बाद फिर अपना जो खेती वगैरह था वो संभाले। और आपका मतलब कि शादी जो हुआ वो किस साल में हुआ, कुछ याद है किस साल में हुआ आपका शादी? याद तो नहीं। अच्छा, लिख के रखे हैं वो हमारा कमे में। अच्छा, और आप बता रहे थे कि बीच में आप झारखंड वगैरह भी बीच में कभी घूमने गए थे, बीच में कभी कहीं मतलब बिहार से बाहर निकले आप कभी? कब गए थे, क्या एक्सपीरियंस रहा जो बाहर आप निकले, बिहार से बाहर कहाँ गए थे? अरे गए थे एक जगह नहर बन रहा था। नहर। हाँ। नाटी नदी से। अच्छा, वहीं पर कोचिंग हो गया है। अच्छा, वहीं गए थे। कहाँ पे नहर बन रहा था, किस जगह पे? कदहर। कदहर ये कहाँ है? गया डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, तो वहाँ पे क्या आपका मतलब नौकरी लगा था वहाँ पे? अच्छा, तो आपका नौकरी लगा था वहाँ पे जहाँ नहर बन रहा था। अच्छा, हाँ फिर? ग्रिज रीडर में। अच्छा, नदी के पानी। हाँ। तौला जाता था। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पे आपका नौकरी लगा था। हाँ, ग्रिज रीडर में। अच्छा, तो फिर है कि हम एसडीओ थे।
अच्छा, उन्हीं के थ्रू हम गए थे, वही हमारा नाम ग्रेजुएशन में दे दिए। अच्छा, अब इंस्टीट्यूट बन गए। अच्छा, तो फिर वहाँ पे कितना अपना कितना समय तक काम किया वहाँ पे? सात बरी। अच्छा, 7 साल तक आप वहाँ पे काम किए। अच्छा, अच्छा इधर उधर ट्रांसफर भी हुआ, लेकिन 7 साल तक आप वो नौकरी किए है ना। और फिर मतलब नहर खुदाए के बाद वो बिलाजन सब डिवीजन में सत्रह गो हमारा नियम रहन गए। अच्छा, कोनो नदी पर भेज दिया जाए। अच्छा, पहाड़ी नदी जंगल जंगला। अच्छा अच्छा, तो यहाँ वहाँ आप लोग का पोस्टिंग कर दिया जाता था है ना। हाँ, और फिर बदल बदल के 7 साल के बाद आप मतलब की नौकरी छोड़ दिए। कहे का मतलब जो नदी पानी पड़ी तब न रिपोर्ट हमने के भेजा था नहीं जाती। हाँ, एगो ऑफिस में एगो स्टूडियो के एगो अभी पोस्टकार्ड बा सरकारी पोस्टकार्ड। हाँ, अभी बा हमारे के। अच्छा अच्छा, नक्शो बा। अच्छा, देख के चल जाते थे। अच्छा, तो फिर 7 साल के बाद आप वो छोड़ दिए। छोड़ नहीं दिए तो कहने का मतलब भी पोस्टिंग खत्म कर दिया। अच्छा अच्छा, उस पोस्ट को ही खत्म कर दिया गया। तो जितने आप लोग 17-18 लोग थे सबको बरसाते भर था। अच्छा, पानी पड़ेगा बरसाते भर नदी के। हाँ हाँ, समझ गया। ओके ओके, खत्म कर दिया। ओके, तो बस गया डिस्ट्रिक्ट से चतरा से चल आए। अच्छा घर। अच्छा, फिर वापस आप बक्सर नदाव आ गए। फिर उसके बाद अब गांव में रहने लगे। अच्छा, उसके बाद आप गांव में मतलब कि वहां से आए, उसके बाद आपका शादी हुआ आने के बाद। अच्छा, मतलब वहां से आने के बाद फिर आपका शादी हुआ, फिर मतलब कि जो भी काम रहा वो गांव में ही आप किए सारा काम। शादी तो पहले हुआ था। अच्छा, शादी पहले हुआ था। और आपका बाबा तकरीबन कितना उम्र हो रहा होगा आपका अप्रोक्स? लिखित में 1939। लिखित में 1939 है। 39 मतलब 61 83 84 आए तरह 5-6 बरिस कम ज्यादा। अच्छा हाँ, समझ गए। तो दोस्तों, जो कागज में लिखा हुआ मेरे दादाजी का ए डेट ऑफ बर्थ है वो 1939 है, लेकिन आपको मालूम है कि जो एज था वो घटा कर लिखा जाता था, तो एक्चुअल में जो बाबा का था वो 34 या 35 में दादाजी का जन्म हुआ था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अभी मेरे जो दादाजी का एज है वो अप्रोक्स 65 उधर से और इधर से 23, मतलब 88 ईयर्स, 88 साल। तो आप समझ सकते हैं कि 88 जो मैं बोल रहा हूँ वो कमी है। आप मान के चलिए कि जो मेरे दादाजी का उम्र है वो 90 से ऊपर के हैं मेरे दादाजी, और काफ़ी हेल्थ को लेके मेरे दादाजी काफ़ी कॉन्शियस रहे हमेशा, क्योंकि इनका जो खान पान और एक्सरसाइज, जैसे हम सुबह 4 बजे उठने में इतना सोचते हैं, लेकिन मेरे दादाजी का जो रूटीन रहा है वो अपने मतलब यंग पीरियड से ही हमेशा 4 बजे उठने वाले आदमी है, कभी भी उनका रूटीन ख़राब नहीं हुआ। और आज भी दादाजी बिना किसी सहारे के आराम से चलते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मतलब कि जो हम बोलते हैं ना कि जो सुस्ती बरतना आराम करना वो सब इन्होंने कभी नहीं अपनाया। और बाबा कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए अपने बारे में। किसी तरह का नशीला चीज खाए नहीं। अच्छा, एक बीड़ी तक नहीं पिए। अच्छा, मांस मछली नहीं खाए। अच्छा, तो फ्रेंड्स दादाजी आज तक मतलब कि नशीला पदार्थ बोल रहे हैं बीड़ी तक नहीं पिए, मतलब इन्होंने नशे को छुआ तक नहीं। और मेरे दादाजी बिल्कुल वेजिटेरियन है, तो आप देख सकते हैं कि मतलब कि आज का अगर आज से आप कंपेयर करें तो आज की जो औसतन आयु है क्या है, 60 और 62 आज की औसतन आयु है। लेकिन अगर जीवन में अपने मतलब कि हेल्थ का ध्यान रखा जाए, एक्सरसाइज पर ध्यान रखा जाए, तो हम काफ़ी हमारा जो एज है वो अच्छा रहेगा और हम हेल्दी रहेंगे। और बाबा कुछ जीवन का कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस जीवन का, या कोई ऐसा आपका जीवन का घटना जो शेयर करना चाहते हैं, जो आपका यादगार घटना है, जो कोई मेमोरी हो, कोई अच्छा मेमोरी जो आप शेयर करना चाहते हैं आपका। अच्छा, तो चलिए फ्रेंड्स,
मेरे दादाजी का जो जीवनी था वो मैंने आपसे शेयर किया और आपको अच्छा एक चीज और दादाजी बता रहे हैं पढ़ते थे बक्सर में हाँ रामरेखा घाट गंगा जी के पहुँचते थे माने बराबर हाँ गंगा जी में नहाते थे पार करते थे फिर चले जाते थे आधे दूर पर थे अच्छा कोई हो अच्छा सूखे टाइम में अच्छा आप तैर के मतलब नदी पार कर जाते थे उस पार चले जाते थे तैर के अच्छा तो फ्रेंड जो हमारे यहाँ नहीं कोई पार कर जाते थे कोई आधे पहले लौट आते थे पार ही न हुआ तो फ्रेंड्स जो हमारे यहाँ गंगा नदी बहती और काफी उसका चौड़ाई बहुत ज्यादा है तो वो दादाजी हमारे रामरेखा घाट है काफी चौड़ाई उस नदी की ज्यादा है क्योंकि लोग वहाँ पे काफी जैसे मुंडन वगैरह करने जाते हैं तो मैं उसका भी ब्लॉग आपके लिए लेकर आऊंगा तो उसकी चौड़ाई काफी होती है तो दादाजी मेरे आराम से स्विमिंग करके उस पर चले जाते थे तो आप समझ सकते हैं इनका स्टेमिना उस वक्त कितना अच्छा रहा होगा क्योंकि स्विमिंग करना बहुत ज्यादा टफ है इवन रनिंग वगैरह जो भी एक्सरसाइज बोला जाए तो सबसे टफ एक्सरसाइज जो होती है वो स्विमिंग होता है और दादाजी आराम से स्विम करके गंगा नदी को पार कर जाते थे। जिला में सबसे टॉप दौड़ते थे या फांते थे अच्छा बक्सर जिला में सबसे टॉप अच्छा चुनिंदा चुनिंदा हर हाई स्कूल के तीन को छात्र आते थे अच्छा ओकरा ने स्पोर्ट होता था हम एकदम अव्वल रहते थे हाँ। तो फ्रेंड्स बक्सर जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में जो दादाजी हैं वो खेल कूद में जो कि हम आज स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा दे रहे हैं तो खेल कूद में मेरे दादाजी बिल्कुल आगे थे और जैसा कि बता रहे हैं कि वो अव्वल आते थे मतलब कि हर चीज में कूदने में फांदने में कोई भी स्पोर्ट्स हो उसमें वो हमेशा पहले नंबर पे आते थे क्योंकि इनका फिटनेस जो था वो बहुत ही अच्छा था जैसा आपको दिख रहा है कि 90 के एज में भी बाबा इतने ज्यादा फिट हैं। आपको मैं बता दूं कि मेरे दादाजी लाठी का भी सहारा नहीं लेते हैं चलने के लिए इस एज में। और बाबा कुछ और कुछ जैसे इधर का कुछ गांव का आप भूलिए गए अच्छा आपका घटना अच्छा चलिए तो फ्रेंड्स ये था हमारे दादाजी का कुछ जो जब मुझे लगा कि अपने दादाजी का जो जीवनी है आपसे शेयर करना चाहिए और जो उनके फिटनेस का क्या राज है वो आपको बताना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स आपको मेरे दादाजी का जो ये आज का ब्लॉग था कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे आने वाली सारी मजेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी और कुछ बताना चाहते हैं बाबा नहीं अब का ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए वीडियो कहे का मतलब है अभी तो बहुत ठीक नहीं जी हाँ तब क्या वही हम बोल रहे हैं तो बाबा आप देख रहे होंगे कि बाबा का जो सोच है वो बिल्कुल पॉजिटिव सोच है तो हम लोग क्या है कि तो नेगेटिव सोच में रहते हैं तो मेरे दादाजी का अभी भी पॉजिटिव सोच है और वो इतने फिट हैं कि वो बोल रहे हैं कि अभी अभी तो हम ये मतलब कि यंग ही एज में है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय।